हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहला सवाल आता है हमारे दिमाग में कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और पॉलीमर्स भी कौन से हैं, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लॉन्ग चेन पॉलीमर, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स न्यूक्लियोटाइड्स, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज पॉली न्यूक्लियोटाइड। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। आप ये जानते होंगे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, करेक्टर का ट्रांसफर कौन करता है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि इन द वर्ड यू ऑल्सो स्टेट दैट न्यूक्लिक एसिड्स प्ले वाइटल रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स, यानी कि मेरे अपने पेरेंट्स के साथ मेरे गुण कैसे कैसे मिल जाते हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, उनके जैसा दिखता हूँ या नहीं दिखता। लोग कंपेयर करते हैं ना, ये पेरेंट्स से मिल, यानी कि ये अपनी मदर से कितना मिल रहा है, फादर से कितना मिल रहा है, गुण कैसे हैं उसके। तो इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, न्यूक्लिक एसिड्स रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए। क्या कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरेंट करेक्टर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरेंट करेक्टर, और दैट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, ऑल्सो नोन एज हेरिडिटी। हेरिडिटी। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड्स प्ले वाइटल रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गुणों का ट्रांसफर। एंड न्यूक्लिक एसिड्स ऑल्सो प्ले a very important role in the biosynthesis of proteins and enzymes. Biosynthesis of proteins and enzymes. Biosynthesis. और ये भी बात एट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, दे आर ऑफ टू टाइप, डीएनए एंड आरएनए। एंड डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, इसको हम फर्दर थ्री कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एम स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए, टी स्टैंड फॉर ट्रांसफर आर एन ए, एंड आर स्टैंड फॉर राइबोसोमल आर एन ए। जो मेन पार्ट कहता है कि व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ड्यू टू द लॉन्ग चेन ऑल्सो नोन एज पॉली न्यूक्लियोटाइड एंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the transmission of heredity, chemical composition of nucleic acid. Chemical composition means हमारे nucleic acids हैं, उनके main components क्या हैं, यानी कि DNA और RNA,
डीएनए एंड आरएनए क्या है आपका न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि हमारे डीएनए और आरएनए किससे मिलके बने, यानी कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मींस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए ब्रेक इनटू इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि डीएनए और आरएनए अपने कंपोनेंट्स में टूट गए, इसका मतलब कि हमने ये बात का पता लगाया कि हमारे डीएनए और आरएनए किससे मिलके बने। कैसे पता लगाया? व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब वाटर में डिसॉल्व किया तो ये अपने कंपोनेंट्स में टूट गए। और वो कंपोनेंट्स कौन से हैं जिनमें ये टूटे? एंड देयर आर मेन थ्री कंपोनेंट्स। तीन कंपोनेंट्स कौन से? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, पेंटोज शुगर मॉइटी, पेंटोज शुगर मॉइटी, एंड नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजीनियस बेस, एंड फॉस्फोरिक एसिड, एंड फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस बेस मींस दोज बेस, यानी कि आप ये बात कह सकते हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर हमने डीएनए और आरएनए का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो दे ब्रेक डाउन इनटू थ्री कंपोनेंट्स, एंड दीज थ्री कंपोनेंट्स आर पेंटोज शुगर मॉइटी, नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू डीएनए एंड आरएनए इज पेंटोज शुगर मॉइटी, पेंटोज sugarmoid. Main difference between the DNA and RNA based on pentose sugarmoid. Sugarmoidy means, जानते हैं sugarmoidy क्या होता है? Sugarmoidy means the sugar molecule in compound. यानी कि उस compound में कौन सा sugar molecule है? तो RNA में जो present है वो है beta D2 ribose, beta D ribose, beta D ribose, and RNA बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोस, बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोस। तो आरएनए में जो शुगर मॉइटी है वो कौन है आपका? बीटा डी राइबोस, एंड डीएनए बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोस। अब दोनों का अभी उनका दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस, दोनों क्या है आपका? पेंटोज शुगर मॉइटी, पेंटोज शुगर मॉइटी मीन्स फाइव रिंग स्ट्रक्चर, O CH2OH and H and bulky functional group या heavier functional group bottom में लिखना होगा OH and OH front पे रहने दो। Both group in front. H and H. Beta D. OH group. Yeah. Alpha and beta. आपको पता होगा beta. Beta means from the first chiral carbon OH group towards right hand side. या another side चला जाएगा आपका. अब beta में क्या होगा? Left side में आपका आएगा. तो ये हमारा beta D. Beta OH. ये आपका H. तो ये किसका structure है आपका? Beta D ribose. नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर एंड कार्बन फाइव, बीटा डी राइबो। कैसे याद करेंगे आप इसको मेरे साथ देखिएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सी एच टू ओ एच, ओ एच के बाद एच आएगा। हमारे जो बल्की फंक्शनल ग्रुप हैं या ओ एच ग्रुप हैं वो कहाँ रहेंगे? फ्रंट साइड में रहेंगे, और बीटा डी तो ओ एच आपका ऊपर है, ओ एच और एच।
अब हमें सेम याद करना है कि डीएनए का स्ट्रक्चर में, डीएनए में क्या मॉइटी है आपका, बीटा टू डीऑक्सी राइबोस है, बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोस सेम CH2OH, H OH, OH, H, H, O, H, N, H. अब कहेंगे सर ये तो बिल्कुल दोनों सेम है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई ये भी स्ट्रक्चर हमने कहा बीटा डी राइबोस है, ये भी आप कहते हैं बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोस, दोनों में डिफरेंस क्या है? आपका नंबरिंग की बात की तो क्या होगा, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, डिफरेंस खुद देखिए आप। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर किसका याद करना है, बीटा डी राइबोस, और सेम बना दीजिए बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोस। अब डिफरेंस देखिएगा, डी टू टू नंबर से क्या कर रहा है, डी ऑक्सी टू नंबर से ऑक्सी, डी मीन्स रिमूवल, डी मीन्स डी ऑक्सी मतलब पोजिशन टू से ऑक्सीजन का क्या करना है आपको, रिमूवल करना है। तो आपने क्या किया, नंबर टू पोजिशन से ऑक्सीजन को आप हटा दीजिए, ऑक्सीजन को आपने हटा दिया, तो ये क्या बना आपका, दिस इज बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोज। अगेन मेरे साथ देखिएगा, आरएनए बीटा डी राइबोज, ओएच ग्रुप फ्रंट साइड में रहेंगे आपके, एंड सेम इन केस ऑफ बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोज, ओएच ग्रुप फ्रंट में है आपके, लेकिन याद रखना है कि नंबर टू पोजीशन से आपने ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है, तो क्या मिलेगा, बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोज। द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए इज नाइट्रोजीनियस बेस, सेकेंड डिफरेंस नाइट्रोजीनियस बेस एंड डीएनए है फोर बेसिस, इन्हें आप याद कर सकते हैं ए जी सी टी, ए जी सी टी या ए जी, सुनो तो ए जी सी टी आप निमोनिक के फॉर्म में लर्न कर सकते हैं, ए जी सुनो तो। अब ए स्टैंड फॉर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, नेक्स्ट वन इज साइटोसिन एंड थायमिन, एंड यू ऑल्सो माइंड दैट हमारे जो एडेनिन और गुआनिन है ये हमारे प्यूरीन बेसिस हैं, कौन से बेसिस में आते हैं, प्यूरीन बेस। इन आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट थ्री बेसिस आर सेम, ए जी सी, ए जी सुनो तो चेंज हो गया, उसमें क्या आएगा यूरेसिल, ए जी सुनो, अब टी से क्या आएगा आपका यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, फर्स्ट थ्री आर सेम बट फोर्थ वन इज डिफरेंट इन केस ऑफ आरएनए, दैट वन इज यूरेसिल। And the third, phosphoric acid और अभी आपको याद होगा during complete hydrolysis DNA and RNA break into main three components, pentose sugar, nitrogenous base and phosphoric acid, और अभी हमने आपको ये difference बताया कि तीनों में क्या क्या difference है। pentose sugar की अगर आप बात करते हैं तो RNA में beta D ribose है एंड डीएनए में बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोस है, और अगर नाइट्रोजीनियस बेस की बात की जाए तो उसमें एजीसीटी है, इसमें क्या है एजीसीयू, एंड फॉस्फोरिक एसिड दोनों में कैसा है आपका सेम, इसमें हमारा डीएनए और आरएनए में फॉस्फोरिक एसिड आपका सेम। एंड एक और बात ध्यान रखिएगा कि डीएनए कंट्रोल द ट्रांसमिशन, डीएनए कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इफेक्ट, हेरिडिटरी एंड
आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस मींस उनके बनाने में प्रोटीन। अगेन मेरे साथ एक बार देखिएगा, डीएनए एंड आरएनए थ्री के अकॉर्डिंग हमने मेन थ्री कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंस की हमने बात की, पेंटोज सुगर बीटा डी राइबोज आरएनए में, डीएनए बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोज, ए जी सी यू फोर्थ वन इज डिफरेंट, यहाँ पे आपका ए जी सी टी फॉस्फोरिक एसिड सेम, एंड डीएनए कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इफेक्ट्स एंड आरएनए कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फर्स्ट वी शुड नो अबाउट न्यूक्लियोसाइड एंड ऑल्सो स्टडी अबाउट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? मीन्स अभी हमने आपसे डिस्कस किया था डीएनए एंड आरएनए, सुगर मॉइटी देखा आरएनए में क्या था बीटा डी राइबोस। अगर उसके फर्स्ट कार्बन से बेस को लिंक कर दिया जाए, बेस को अटैच कर दिया जाए, तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। मीन्स सुगर मॉइटी प्लस बेस फर्स्ट कार्बन वन डैश। अब आप कहेंगे सर ये आपने फर्स्ट कार्बन सी वन डैश क्यों पुट अप किया है, यानी कि जो सुगर मॉलिक्यूल कनेक्ट टू बेस है, जो फर्स्ट कार्बन है उस बेस का भी तो अपना नंबर होगा 1 2 3 4 5, इसीलिए हमने बेस का नंबरिंग 1 2 3 से किया, एंड जो सुगर मॉलिक्यूल का नंबर है हमने वो किससे किया 1-2-3-4-5 से किया। अब देखिए मेरे साथ, अभी आपको याद होगा पेंटोज सुगर मॉलिक्यूल 5-membered रिंग स्ट्रक्चर, CH2OH, OH, OH, H, 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 OH, H, अभी याद होगा बीटा डी राइबोस। लेकिन अभी हमने क्या कहा, सुगर मॉइटी, सुगर मॉइटी एंड फर्स्ट कार्बन दिस वन नंबर इज 1-2-3-4 एंड दिस इज 5-, फर्स्ट से आपने क्या कनेक्ट किया बेस, बेस कनेक्ट किया वन कार्बन, तो क्या बना न्यूक्लियोसाइड। तो आपको लर्न करना कितना आसान है न्यूक्लियोसाइड, कैसे लर्न करेंगे आप, यानी कि सुगर आप कैसे याद करेंगे, लर्न करने का एक बहुत सिंपल ट्रिक आपने कैसे याद किया, सुगर मॉइटी प्लस बेस, यानी कि आप लिखेंगे सुगर प्लस बेस, सुगर प्लस बेस, आपने सुगर के साथ बेस को कहाँ कनेक्ट किया है सी वन डैश फर्स्ट कार्बन के साथ कनेक्ट किया, तो क्या बना सुगर आपका न्यूक्लियोसाइड, और ये कौन सा है आपका राइबोज सुगर। राइबोज सुगर अभी आप देखा होगा अभी हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था डीएनए और आरएनए बीटा डी राइबोज, और फर्स्ट कार्बन पे आपने बेस कनेक्ट किया, तो क्या बना न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर बना, दैट इज राइबोज सुगर। अभी एक्सप्लेन करना है कि हमें न्यूक्लियोसाइड का एक्सप्लेन हो गया हमारा अभी आपके साथ, अभी हमें एक्सप्लेन करना होगा आपके साथ न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होगा अभी मेरे साथ देखिएगा, न्यूक्लियोटाइड दिस इज, इसमें क्या होगा हमारा H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड को अटैच करना है 5- कार्बन, किसमें जो अभी हमारा न्यूक्लियोटाइड था उसके साथ हमने अटैच कर देना है। न्यूक्लियोटाइड में क्या अटैच करना है, न्यूक्लियोसाइड पे आपका जो फॉस्फोरिक एसिड है उसको आपको फर्स्ट कार्बन पे अटैच करना है, मींस सुगर प्लस बेस C1- कार्बन प्लस फॉस्फोरिक एसिड एट C5- कार्बन, यानी कि अगर मैं 5th कार्बन पे न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड का अटैचमेंट
फॉस्फोर का मीन H3PO4 का अटैचमेंट क्या बन जाएगा आपका, न्यूक्लियोटाइड। सुगर प्लस बेस एट फर्स्ट कार्बन प्लस फॉस्फोरिक एसिड एट 5- कार्बन। 5- मैंने बताया था बेस का अपना नंबर होगा, इसको मैं अगेन आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस वन एंड दिस वन आपको याद हो जाएगा, रेड कलर से मैंने बोल्ड किया है। सुगर अभी आपको लर्न है मेरे साथ, CH2O बेस OH, OH, H, H and H नंबरिंग 1-2-3-4-5-. 1- कार्बन बेस आपने अटैच किया एंड 5- कार्बन क्या अटैच करना है, फॉस्फोरिक एसिड पी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव, सो दिस इज न्यूक्लियोटाइड। याद रहेगा अगेन मेरे साथ एक बार देखिएगा, न्यूक्लियोसाइड सुगर प्लस बेस एट फर्स्ट कार्बन एंड न्यूक्लियोटाइड सुगर प्लस बेस फर्स्ट कार्बन एंड फॉस्फोरिक एसिड एट 5 कार्बन। ओके तो याद रखना है आपको इस बात को कि हमारा जो न्यूक्लियोटाइड क्या है, सुगर प्लस बेस सी 1- कार्बन फॉस्फोरिक एसिड 5- कार्बन, इन केस ऑफ न्यूक्लियोसाइड सुगर प्लस बेस लिंकेज एट 1 कार्बन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड अभी हमने एक्सप्लेन किया आपके साथ, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड, और अभी हमने ये कहा था कि न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसके पॉलीमर्स हैं पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हमें टिपिकल एग्जाम्पल आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि न्यूक्लियोटाइड 1 प्लस न्यूक्लियोटाइड 2 दोनों का कॉम्बिनेशन ज्वाइन कर दिए, बट बोथ आर जॉइंड एट, कहाँ ज्वाइन किया आपने, C3 and C5- कार्बन, यानी कि 3rd carbon and 5th carbon पे दोनों न्यूक्लियाइड्स को कंबाइन किया, C3 and C5, और वाटर आपका लूज कर जाएगा, लॉस ऑफ वाटर वो क्या बनेगा आपका, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और अभी हमने कहा भी था न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो अभी हम क्या करेंगे आपके साथ, न्यूक्लियोटाइड 1 एंड न्यूक्लियोटाइड 2 जॉइंड एट C3-carbon and C5-carbon जॉइन कर, देखिए अभी न्यूक्लियोटाइड 1 O सेकेंड बेस H, OH, OH, H, H एंड फॉस्फोरिक एसिड CH2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव CH2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव बेस OH OH and this is also H and H. नंबरिंग की बात करते हैं तो क्या होगा, 1-2-3-4-5-. 1-2-3-4-5- join together minus water OH and H. अब अभी हमने आपके साथ एक्सप्लेन भी किया था C3 and C5 पे ज्वाइन करना होगा और वाटर आपका लूज कर जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, डाई न्यूक्लियोटाइड फिल फॉर्म। देखिए मेरे साथ O
बेस एच ओ एच ओ एच एच एंड दिस वन इज सी एच टू ओ पी डबल ओ नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव एंड अगेन दिस वन इज ओ ऑक्सीजन के साथ हमें कनेक्ट करना है सेकेंड वन फिफ्थ वन दिस वन कनेक्ट करना है फाइव कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव सी एच टू दिस इज दिस कार्बन सी एच टू लिंक करना है ओ बेस एच ओ एच एच एंड एच हमारा होगा दिस इज न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड. एक बात आप देख रहे हैं जो मेन पॉइंट आप देख रहे हैं ये जो लिंकेज दिख रहा है आपको द सच टाइप ऑफ लिंकेज ये जो हमें अभी दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में जो लिंकेज दिस वन लिंकेज दिस लिंकेज इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज. एट सी थ्री डैश एंड सी फाइव डैश कार्बन इस पॉइंट को आप याद रखिएगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज दैट लिंकेज इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज एट सी थ्री कार्बन एंड सी फाइव डैश कार्बन. हमने पहले भी क्या था कि थ्री डैश या फाइव डैश हमने इसलिए नंबर दिया कि बेस का भी एक अपना नंबर होगा हमने सुगर मॉलिक्यूल को वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश एंड फाइव डैश नंबरिंग हमने इसमें किया है. So this is the correct structure of polynucleotide. Again, मेरे साथ देखिएगा एक बार base, phosphoric acid, base, and यहाँ पे आपका C3 and C5 पे linkage है. Structure आपका वही था हमने कहा था front पे आपका OH, OH, यहाँ पे भी हमारा OH, OH. तो आप इसको बहुत ही simplified way में आप इसे याद कर. और अगर बहुत ही एक simplified version की बात कहें तो how we learn this is a very, very simplified version. जैसे कहते हैं बच्चों जैसा काम हो जाता है तब इसको एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं. मैं बता रहा हूं अभी आपके साथ आप लिखेंगे सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट एंड सुगर के साथ क्या कनेक्ट कर रखा है आपने बेस बेस एंड बेस एंड सुगर और फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन आपका एन टाइम मीन्स ये बात रिपीट होता रहेगा तभी तो कहते हैं पॉली पॉली न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड आप कहते हैं न्यूक्लिक एसिड इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आर हम डिस्कस करते हैं आपके साथ अभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए एंड आर बट एक मेन बात यह है आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए इज सिमिलर डी एन ए एंड आर एन यानी कि जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है डी एन ए और आर एन ए का कैसा है वो सिमिलर है बोथ हैव द सिमिलर डी एन ए एंड आर और बेसिकली इनका सिमिलर स्ट्रक्चर है आपका क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में दैट इज द अटैचमेंट और सीक्वेंस अटैचमेंट या सीक्वेंस कह सकते हैं या फिर अरेंजमेंट कह सकते हैं आप
अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्राइमरी किस तरीके से हो सकता है अटैचमेंट अरेंजमेंट सीक्वेंस दो बहुत सारे सीक्वेंस हो सकते हैं कैसे रहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से आपका से एक न्यूक्लियोटाइड वन है ये आपका सेकंड न्यूक्लियोटाइड है ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है तो यानी कि हम इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन है क्या है आपका वन सेम एंड वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ये डिफरेंट टाइप्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेकंड एग्जांपल हम टू सेम ले सकते हैं वन डिफर ले सकते हैं यानी कि टू सेम टाइप एंड वन डिफरेंट टाइप टू सेम टाइप एंड वन डिफरेंट टाइप बट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर नॉट सेम टू ईच अदर आपको वो सिमिलर नहीं है वो कैसे हैं डिफरेंट DNA and RNA. जो DNA का स्ट्रक्चर जो DNA का जो स्ट्रक्चर है आपका दैट इज डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फर्स्ट जो इसका स्टडी किया वो किया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने जेम्स वॉटसन DNA के आप अभी हम बात करते हैं क्या है आपका डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA डबल स्ट्रैंड मीन्स सिंगल स्टैंड डबल अब डीएनए का स्ट्रक्चर है जो डबल स्टैंड डबल स्टैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर लेकिन आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड विच कॉइल्स अराउंड इटसेल्फ एंड ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड चेन्स है आपका फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड डबल स्टैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड अटैच टू ईच अदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड अब इसमें एडेनिन थायमिन ATGC न्यूक्लिक एसिड ATGC आपका जो A और T है आपका A डबल बॉन्ड T एंड G ट्रिपल बॉन्ड C इसका मतलब एडेनिन और थायमिन जो आपके लिंक्ड हैं दे आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन्हें आप याद कर सकते हैं एटी का कॉम्बिनेशन एट द रेट एटी एट द रेट तो याद करने का ट्रिक हो गया एटी एट द रेट तो आपका डबल लिंक टू ईच अदर बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड जी सी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपका ये जो डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर किसका है आपका डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले इसका जो डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर का स्टडी किया वो क्या था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए व्हिच स्ट्रैंड अब वो कैसा है आपका सिंगल स्ट्रैंड आपका स्ट्रक्चर है व्हिच कॉइल्स अराउंड इटसेल्फ हमारा ये बात आप मेन पॉइंट्स हैं दोनों में देखिएगा कि डीएनए डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है आपका इसमें जो आपका जो कनेक्ट को रखे बेसिस एटी एंड जी सी दे आर लिंक टू ईच अदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एटी बाई टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड जी सी बाई थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड तो हम हमारा ये अभी आपने आपका डिस्कस किया एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ आपके साथ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर सिमिलर है जिसमें हम स्टडी करते हैं
अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मे बी ए सेम टाइप और मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर डिफर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हैव डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर, वेयर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर, एंड एटी कनेक्टेड बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड जीसी बाय थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड. और बच्चे हमारे ये वीडियो लेक्चर आप सभी को ये कैसा लगा, तो हमारा ये वीडियो लेक्चर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते रहें. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.